नेक्स्ट प्रोसेस जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिस्क प्रोसेस. आइडेंटिफाइंग रिस्क इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट पोटेंशियल इवेंट्स माइट हर्ट और डैमेज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम उन तमाम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो रिस्क हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं. सो ये वो एबनॉर्मल इवेंट्स हैं जो हमारे नॉर्मल एग्जीक्यूशन को इस वे में इफेक्ट करेगा कि जो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो डाउटफुल हो जाएगी. रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड नंबर 1 ब्रेनस्टॉर्मिंग, नंबर 2 द डेल्फी टेक्निक, नंबर 3 इंटरव्यूइंग एंड नंबर 4 स्वॉट एनालिसिस. सो बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक्स और टूल्स हम यूज करेंगे फोकस करेंगे उनमें हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डेल्फी टेक्निक है, इंटरव्यूइंग है और स्वॉट एनालिसिस है. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम उन पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे जो रिस्क हमारे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के दौरान अकर हो सकते हैं और हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस को डाउटफुल बना सकते हैं. तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी टेक्निक, इंटरव्यूइंग एंड स्वॉट एनालिसिस. अब नेक्स्ट हम इन टेक्निक्स को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं. सो द नेक्स्ट टेक्निक दैट वी विल फोकस इज बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्संस जो हैं वो बेसिकली कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए वो डिफरेंट तरह के आइडियाज जनरेट करते हैं. बेसिकली इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस इन विच द फोकस ऑफ द टीम इज टू बेसिकली जनरेट द सेट ऑफ आइडियाज इफेक्टिव सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में. सबको प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है और उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए वो लोग जो आपकी डेवलपमेंट टीम का पार्ट भी हो सकते हैं, आपके कस्टमर साइड भी हो सकती है, कस्टमर साइड से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, आपकी डेवलपमेंट टीम के लोग हो सकते हैं और आप कुछ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली उस पर्टिकुलर मीटिंग में, उस सेशन में जो प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम एड्रेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए डिफरेंट तरह के आइडियाज को गैदर किया जाता है, जनरेट किया जाता है इस पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस के अंदर. सो एन एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर शुड रन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. आपके इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कोई एक्सपीरियंस्ड फैसिलिटेटर या होस्ट का होना जरूरी है. सो इस पर्टिकुलर सेशन को कामयाब बनाने के लिए, इसको गोल ओरिएंटेड बनाने के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव सम काइंड ऑफ फैसिलिटेटर एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स और पार्टिसिपेंट्स की मदद से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. The next technique that we will focus is called the Delphi technique. And as a project manager, it is important to think about what future events may impact your project. These events may be positive or negative. As a project manager, ये जरूरी है कि उन तमाम future events या risks के बारे में जरूर सोचा जाए जो हमारे project को किसी ना किसी तरीके से impact कर सकते हैं, या उनका कोई ना कोई प्रॉपर इम्पैक्ट है या फिर दे कैन इफेक्ट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. दीज इवेंट्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव रिस्क भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव रिस्क भी हो सकते हैं. यहाँ पे इवेंट से मुराद क्या है? रिस्क. ठीक है, हम यहाँ पे किन को एड्रेस कर रहे हैं? हम रिस्क को एड्रेस कर रहे हैं. सो जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि रिस्क पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग देम अलाउज यू टू प्रिपेयर एंड पुट प्लान इन प्लेस टू डील विद देम. सो बेसिकली इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने का मकसद बेसिकली ना सिर्फ इनको अंडरस्टैंड करना है बल्कि इनको एनालिसिस करते हुए ऐसे प्लान्स को प्रिपेयर करना है जिनकी मदद से हम इनको इजीली डील कर लेंगे. इन रिस्क को ना सिर्फ डील कर लेंगे बल्कि हम इनको मैनेज कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को इंश्योर कर सकेंगे. बट हाउ कैन यू फोरकास्ट द फ्यूचर विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी? The Delphi technique can help.
किसी भी रिस्क को जो फ्यूचर ओरिएंटेड है आप उसको किस तरीके से फॉरकास्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक विच इज कॉल्ड द डेल्फी टेक्निक। ठीक है जी, द डेल्फी टेक्निक इज अ मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। तो डेल्फी टेक्निक क्या है, एक ऐसा मेथड है जो किस लिए यूज किया जाता है, प्रोबेबिलिटी को और इफेक्ट्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट, फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स से मुराद ये आपके जो रिस्क हैं दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है जी, सो बेसिकली ये ऐसी टेक्निक है जो फ्यूचर इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है और बेसिकली इसमें हमारा फोकस ये है कि हम बेसिकली एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ दीज फ्यूचर रिस्क। सो प्रोबेबिलिटी से मुराद ये कि कितने परसेंट चांसेस है कि ये रिस्क अकर होगा या नहीं होगा, और इफेक्ट से मुराद ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि अगर ये रिस्क अकर हो जाता है या रियलिटी बन जाता है तो ये हमारे प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन को किस हद तक मुतासिर कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एक्सचेंज व्यूज एंड ईच इंडिपेंडेंटली गिव्स एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस टू अ फैसिलिटेटर हु रिव्यूज द डेटा एंड इश्यूज अ समरी रिपोर्ट। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टेक्निक में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आइडियाज एंड व्यूज को एक्सचेंज करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, और फिर ये तमाम एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंटली जो है वो डिफरेंट रिस्क एस्टिमेट्स और अजम्पशंस जो है वो जनरेट करते हैं और फैसिलिटेटर को प्रोवाइड करते हैं, जो बाद में क्या करता है उन तमाम आइडियाज को और डेटा को जो आपके एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे उनको रिव्यू करेगा और एक समरी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करेगा। द ग्रुप मेंबर्स डिस्कस एंड रिव्यू द समरी रिपोर्ट एंड गिव अपडेटेड फॉरकास्ट टू द फैसिलिटेटर हु अगेन रिव्यूज द मटेरियल एंड इश्यूज अ सेकेंड रिपोर्ट। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल पार्टिसिपेंट्स रीच अ कॉन्सेंसस। सो बेसिकली क्या होगा, आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, उस समरी रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और रिव्यू करेंगे, और फिर उस डिस्कशन की बेसिस पे जो भी उनको पर्टिकुलर न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो फैसिलिटेटर को प्रोवाइड करेंगे और फैसिलिटेटर दोबारा उस मटेरियल को रिव्यू करेगा और एक सेकेंड रिपोर्ट जनरेट करेगा। सो बेसिकली ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक आपके पार्टिसिपेंट किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पे जो है वो नहीं पहुंच जाते, कोई ना कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं मिलता उनको, तब तक वो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। सो द नेक्स्ट टेक्निक दैट वी विल फोकस इज इंटरव्यूइंग। Interviewing is a fact-finding technique for collecting information in face-to-face, phone, email or instant messaging discussions. So interviewing kya basically ye ek aisi fact-finding technique hai, ye ek aisi technique hai jiske through hum information collect kar sakte hain. Wo information kya hai ji? Wo information aapke risk ko identify karne se related jo information hai, hum uski baat kar rahe hain. तो बेसिकली जो पर्पस है पर्टिकुलर ये जो इंटरव्यूज कंडक्ट करने का, ये पर्पस ये कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बेसिकली टेक्निक है, ये फेस टू फेस भी कंडक्ट की जा सकती है, फोन पे भी कंडक्ट की जा सकती है, ईमेल के थ्रू भी कंडक्ट की जा सकती है, या इंस्टेंट मैसेजिंग डिस्कशंस के थ्रू भी कंडक्ट की जा सकती है। इंटरव्यूइंग पीपल विथ सिमिलर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। सो ऐसे लोगों से उनके व्यूज लेना जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे पहले से काम कर चुके हों, जिनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, उनको एक्सपीरियंस हो, तो उन लोगों से बातचीत करना या उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करना जो है वो हमें ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क। सो दिस इज अनदर टेक्निक दैट वी कैन यूज इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क those that may occur during the normal execution of a project. Next we have the SWOT analysis. SWOT analysis, SWOT means strengths, weaknesses, opportunities and threats, can also be used during risk identification. So basically SWOT analysis se murad ye ek aisa process hai jisme हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को डिफरेंट एस्पेक्ट, उस प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए उनकी स्ट्रेंथ्स को फाइंड करते हैं, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करते हैं, और जो थ्रेट्स हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उनको हाईलाइट किया जाता है। सो बेसिकली इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द ब्रॉड नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्क दैट अप्लाई टू अ प्रोजेक्ट। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर एनालिसिस का जो
पर्टिकुलर पर्पज है दैट इज यूज टू हेल्प द ब्रॉड नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्क. आपके दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को प्रोजेक्ट में यूज करते हैं.